हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप ठीक ही होंगे। हम जा रहे हैं दिनोदर नखत्राणा तालुका में। दिनोदर डूंगर है, वहाँ घूमने लायक स्थल है। तो हम सब बाल संस्कार केंद्र चल रहा है हमारे गांव में, वहाँ मैं ही चलाती हूँ। तो हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं, ऊपर मंदिर है। तो चलो मेरे साथ, आपको मैं दिखाती हूँ कि ऊपर क्या क्या है। और उसकी सीढ़ियाँ 999 है, तो हम चलो देखते हैं। मैं ही पहली बार जा रही हूँ, चलो बच्चों के साथ चलो।
पे नज़ारा देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैदान भी है, बच्चे खेल सकते हैं। और राउंड में बाउंड्री पर अच्छी है, तो यहाँ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। और मंदिर भी मैं दिखाती हूँ। ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिख रहा है। बहुत ही मज़ा आया सीढ़ियाँ चढ़कर, और थक भी गए हैं। दूर दूर तक बादल दिख रहे हैं। और ये देखो, ये मंदिर है, यहाँ से मंदिर स्टार्ट होते हैं। यहाँ खास तो धोड़मनाथ का ही पर्चा है, क्योंकि यहाँ ऊपर उसने तप किए था। उस सोपारी पर उल्टे सिर पर तप किया था उसने, 12 साल तक तप किया था। तो यहाँ श्रद्धालु सब लोग आते हैं यहाँ पे। जितने भी मंदिर है यहाँ पे, उसका ऊपर नाम भी लिखा है, आपको पता चल जाएगा कौन सा मंदिर है ये। यहाँ धोड़मनाथ ने तपस्या की थी, और उल्टे सिर सोपारी पर सिर रख कर उसने 12 साल तक तपस्या की थी। और प्रसादी रूप में यहाँ सोपारी भी चढ़ती है, आप देख सकते हो ये।
बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और सब देखा तो बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई थी तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ ऊपर से तो बहुत नज़ारा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं दूसरी बार भी आऊँगी, बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक्स।